कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा लिख देते हैं अकाउंट में सेल्स, बहुत सारे फॉर्मूले हैं हर किसी को समझेंगे, इनटू में 100 प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है सर, अब हमें समझना है कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सर एक तो कंट्रीब्यूशन ये हो जाता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। हमें सेल्स को भी बड़े अच्छे से समझना चाहिए कि सर सेल्स है क्या। अगर सेल्स को मैं डिफाइन करूं तो सर सेल्स होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। अब एक बात मैं बता दूं फिर से, एक एब्रिविएशन और यूज करूंगा मैं वेरिएबल कॉस्ट को, मैं वीसी बोलूंगा आपके पास। तो सेल्स होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट को मैं अब आगे से एफसी बोलूंगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सर सेल यही होता है। किसी भी प्रोडक्ट को आप बनाओगे तो खुद सोचो, लॉजिक लगाओ, किसी भी प्रोडक्ट को बनाओगे तो आपका कितना खर्चा लगा वेरिएबल और कितना फिक्स और कितना प्रॉफिट, सबको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा हमारा सेल्स। अब हमें समझना होगा सर ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट